हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनु, आज का जो मैं मेकअप लुक करने वाली हूँ ये है दिवाली मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक मैंने बहुत इजी तरीके से किया है, एंड इस मेकअप लुक को आप भी फेस्टिवल पे इजी तरीके से कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है, तो मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी रोज़ वाटर एज अ टोनर, और ये मुझे काफ़ी पसंद आता है रोज़ वाटर। इसे मैं जब अपने फेस पे लगाती हूँ ना, तो फेस जो है एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाता है मेरा। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। सीरम है ना, मॉइस्चराइज़र का काम करता है, और विंटर्स हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है फेस के लिए, और जो आपकी स्किन है ना उसको भी ग्लो बनाए रखता है। तो मैंने इसे अच्छे से लगा लिया अपने फेस पर। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये ब्लू हेवन का प्राइमर। प्राइमर जो है ना, आपके जो पोर्स होते हैं ना उन्हें मिनिमाइज़ करता है और मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखता है। तो मैं इसे पूरे फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। मेकअप करने से पहले प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए स्किन पर। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का स्टिक फाउंडेशन। ये वाला जो स्टिक फाउंडेशन है ना, लगने के बाद है ना नेचुरल सा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि हमने बहुत डार्क लगा रखा है। और मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर रही हूँ, तो काफ़ी इजीली ब्लेंड हो रहा है ये, तो काफ़ी अच्छा है ये स्टिक फाउंडेशन। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और इसे मैं हाइलाइट्स वाले पॉइंट पर अच्छे से लगा लूँगी। कंसीलर जो है, जो आपके जो डार्क स्पॉट होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उनको हाइड करता है। और ये वाला जो कंसीलर है ना, ये काफ़ी अच्छा है और इजी ब्लेंड भी हो जाता है, और आपके जो डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन है उनको भी अच्छे से हाइड कर देता है ये। इसे मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ये जो मेरा मेकअप बेस मैंने क्रिएट किया है उसको सेट करने के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक का SD लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसे मैं पूरे फेस पर अच्छे से लगाऊंगी, जिससे जो मेरा मेकअप है वो अच्छे से सेट रहे। और अब मैं अपनी आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को मैंने पेंसिल से फिल किया है। पेंसिल की कैप में ना स्पूली है, उससे मैं जो मेरी आईब्रोज हैं उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। तो मैंने दोनों आईब्रोज़ को अच्छे से सेट कर लिया है। और अब मैं आई शैडो के लिए ये हिले रोड़ा की आई शैडो पैलेट का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें से मैंने सबसे पहले ये पीच कलर लिया है ब्रश में, और मैं जो मेरी क्रीज़ है ना, क्रीज़ पर अच्छे से लगा करके ब्रश से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ये ग्रीन कलर ले रही हूँ, डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं ये, और इसे ना मैं अपनी आईलिड पर लगा रही हूँ और ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड मैंने ग्रीन कलर का इसलिए यूज़ किया है, जो मेरी साड़ी का कलर है वो थोड़ा डार्क है और मुझे थोड़ा लाइट रखना है मेकअप, तो फिर मैंने इसलिए ग्रीन कलर का यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पे ये फिंगर से ना सिमर कलर ले रही हूँ, और जो आईज़ का जो इनर कॉर्नर है ना, इनर कॉर्नर से मिड तक मैंने सिमर कलर को लगाया है। और आईलाइनर के लिए अब मैं यहाँ पे ये लैक्मे का आईलाइनर को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो आप स्केच आईलाइनर का यूज़ करिए, उसे काफ़ी अच्छे से लगता है। नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए ये कलर क्वीन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। और काजल के लिए ये स्विस ब्यूटी का कोल काजल यूज़ करूँगी, और ये वाला जो काजल है ना काफ़ी अच्छा है, लगाने के बाद है ना काफ़ी टाइम तक आपकी आँखों में रहता है ये। और इसी को मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा रही हूँ, जिससे मेरी आँख है ना थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिखे मुझे। एंड नेक्स्ट मैं ये मियोन कॉस्मेटिक की स्पॉटलाइट ब्लशर पैलेट का यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को ब्लश करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये ब्रश से थोड़ा डार्क पिंक कलर लिया है, और मैंने अपने चीक्स पर लगाया है, नोज़ पर हल्का हल्का लगाया है। हाइलाइटर के लिए ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं पूरे फेस को अच्छे से हाईलाइट करूँगी, और हाइलाइटर लगाने के बाद है ना फेस पर एक नेचुरल ग्लो सा दिखता है। और पर्सनली मुझे हाइलाइटर का यूज़ करना ना काफ़ी पसंद आता है। और अब मैं यहाँ पे लिप लाइनर के लिए ये स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और लिपस्टिक के लिए ये स्विस ब्यूटी की ही लिपस्टिक है ये मेरी। इसका जो कलर है ना वो रानी कलर होता है ना, वो है
काफ़ी प्यारा कलर है इस लिपस्टिक का। मेकअप को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के जो मैंने मेकअप फिक्सर लगाया है ना उसे अच्छे से सेट कर लूँगी, और यहाँ पे मैं बिंदी भी लगा रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आप बिंदी को अवॉइड कर दीजिए और लिपस्टिक है ना थोड़ी सी लाइट कर लीजिए, तो ये मेकअप लुक आपका अनमैरिड के लिए भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ईयरिंग्स को पहन लिया है, और ये है मेरा दिवाली मेकअप लुक जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया है। आप इजीली इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर ये वाला मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।